हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन. चलो आज नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म के केसेस में. यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाली है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी ख़त्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट. अब हमें बात करना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंडीशन में. और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंडीशन में हम बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे कि हमने कहा दिया था कि फ्लावर के कितने होल्स होते हैं. चार होल्स होते हैं, चार चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम. ठीक है, हमने एंड्रोशियम वाली बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म कर दिया है. अब हमारी हेडिंग क्या होगा बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा हम किसको पढ़ेंगे? किसको पढ़ेंगे? गायनोएशियम. और गायनोशियम का जो यूनिट होता है बेटा, इसकी जो यूनिट होती है क्या होता है? कार्पेल या पिस्टिल. कार्पेल या पिस्टिल इसका दूसरा नाम इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा. कार्पेल या पिस्टिल इसका दूसरा नाम है मेगा स्पोरोफिल. बहुत इम्पोर्टेंट. क्या मेगा स्पोरोफिल? और इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके थ्री पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं बेटा. तीनों के तीनों पार्टों को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ. कौन कौन सा है? स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी. यहाँ पे मैं उस तीनों के तीनों पार्ट को शॉप करने वाला हूँ. इस जगह पे देखो हमने क्या कहा कि बेटा ये हमारा थैलेमस. ये क्या है? थैलेमस. ठीक है, इस जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बड़ी सी पार्ट ओबड़ी का, ये स्टिग्मा स्टाइल. ठीक है, यहाँ पे बात करो तो ये बेटा प्लेसेंटा होगा. और प्लेसेंटा से जुड़े होंगे क्या? फेनिकल्स. क्या होगा? फेनिकल्स. और उससे लगा होगा आपका ओव्यूल. क्या लगा होगा? ओव्यूल. तो तीनों कौन कौन सा पार्ट है? ये है स्टिग्मा, और यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये है स्टाइल, और ये फूला हुआ पार्ट जो है इसको बोलते हैं बेटा ओवरी. ये क्या है? थैलेमस, टोरस, रिसेप्टिकल्स, इसको बोलते हैं पेडिसिल. और ये लाल वाला स्ट्रक्चर बेटा प्लेसेंटा. प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जुड़े होंगे फेनिकल्स. और ये जो दिख रहा है ये है ओब्यूल, उबड़ी के अंदर ओब्यूल. और ओब्यूल को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया. मेगा स्पोरेंजिया, या इसे ही बोलते हैं इंटेगुमेंटेड ओब्यूल. आगे चल के हम बात करेंगे तीनों के तीनों पार्ट के कंडीशन में. अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे अपन बात करें बेटा कि हमारे पास जो है इन गायनोशियम के कंडीशन में, कि गायनोशियम में कितने कार्पेल्स होंगे, कितने पिस्टिल्स होंगे, इसकी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे. तो ये आपको स्ट्रक्चर सही सही दिख रहा है? चलो ठीक है, आ जाइए. आ जा रहा है, आइए यहाँ पे. अब हम गायनोशियम की बात करेंगे बेटा, और गायनोशियम में क्या क्या होगा उसकी बात करते हैं. गायनोएशियम और इन द गायनोशियम इसके अंदर कार्पेल्स के नंबर
नंबर ऑफ कार्बिल। बेटा एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि इसके नंबर में हम बात करते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि एक कार्बिल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कार्बिल भी हो सकता है। तो एक जो होगा उसको मोनोकार्पेलेरी कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, मोनोकार्पेलेरी। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे पॉलीकार्पेलेरी। पॉली मतलब मोनो मतलब सिंगल, क्या कार्पेल, कार्पेल की संख्या कितना सिंगल, तो मोनोकार्पेलेरी, ठीक है ना। यदि कार्पेल की संख्या ज्यादा है पॉलीकार्पेलेरी, ठीक है ना। पॉली मतलब मेनी, कार्पेलरी मतलब कार्पेल, कार्पेल का नंबर क्या है ज्यादा है। अब ये ज्यादा है तो भैया इसका भी दो केसेस हो सकता है, ये फ्यूज भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। ये कार्पेल्स क्या हो सकते हैं, कार्पेल्स फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। तो जो फ्यूज्ड होता है उसको बोलते हैं सिनकार्पस, सिनकार्पस, और जो फ्री होते हैं उनको बोलते हैं एपोकार्पस। तो बेटा यहाँ पे यदि एक की बात करते हैं, एक ही कार्पेल्स हैं, तो किसके केस में हो सकता है। जनरली हम बात करते हैं हमारे ग्रेन जो होती है ना, जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, इसके केसेस में आपको बात करें, मेज है राइस है, तो इसमें कार्पेल्स का नंबर कितना सिंगल। लेकिन हम बात करें कि यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारा जिसमें हो उसके लिए हम एपोकार्पस या सिनकार्पस की बात करते हैं, एपोकार्पस या सिनकार्पस की बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो होती है इसके लिए एग्जांपल और इसके लिए एग्जांपल, सिन मतलब फ्यूज होता है, तो एक तो हमारा माइचेरिया है बेटा, चंपा फूल है, और दूसरा है कि जो हमारा फ्री वाला है, फ्री के केसेस में हम बात करेंगे, जैसे फ्री के कंडीशन में बात करते हैं, फ्री वाला जो होता है एपो मतलब पैपावर सेमिनिफेरस, पैपावर सेमिनिफेरम, पैपावर, ठीक है ना। इसके कंडीशन में क्या होता है, मतलब कि ये फ्री होते हैं। अब हमें बेटा इसमें दोनों के दोनों केसेस में हमने आपको दिखाया था कि कंडीशन क्या है, कि जो फ्री वाला है जो फ्यूज्ड है, तो आपको मैंने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाया था, याद होना चाहिए आपको, एक सिंपल सा हमने ऐसा करके दिखाया था, याद है आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। और ये सिंपल है, ये आपस में बेटा कार्पेल्स तो हैं बट क्या है, आपस में फ्यूज्ड, ठीक है ना, फ्यूज्ड है। लेकिन इसके केसेस में हमने बता दिया था कि ये मान लो कि टोरस है, इसमें क्या है सारे के सारे फ्री है, ये क्या है फ्री दिख रहा है ना, बिल्कुल फ्री दिखता होगा। और एक जो हमारे पास है जो क्या कंडीशन है, इसके केसेस में आपने बात किया था चाइना रोज, ठीक है ना। तो और ये दूसरा हिबिस्कस, हिबिस्कस के कंडीशन में ये जो है, समझ में आ रहा ना, उसके केसेस में ऐसा होता है। तो सिंपल से लॉजिक है, यहाँ पे बात करते हैं और अब क्या होता है, ये तो हमने मतलब इसके केस में हमने कार्पेल की बात कर लिया। यदि ओबरी की बात करते हैं तो ओबरी के नंबर भी क्या हो सकता है, ओबरी के अंदर ओब्यूल का नंबर क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे बात करना पड़ेगा कि ओब्यूल की और ओब्यूल की टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी लेक्चर मिस मत करना, ये इंपॉर्टेंट है,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इन द ओबेडी नंबर ऑफ ओब्यूल की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे एक ओब्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ओब्यूल भी हो सकता है। तो इसके केस में हम बात करेंगे, जैसे ही बात करते हैं एक के कंडीशन में, तो यहाँ पे बात करो तो व्हीट है, मेज है, राइस है, मतलब कि ग्रेन के कंडीशन में हम बात करेंगे। लेकिन एक से ज़्यादा की बात करते हैं बेटा, तो एग्जाम्पल के तौर पे वाटरमेलन, ठीक है ना, कुकुरबिटेसी फैमिली का जो जो खीरा ककड़ी तरबूज ये सब है, सब के कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे बात करो कि पपाया, मस्कमेलन, मतलब कि ये दोनों की बात करें तो हम कुकुरबिटेसी फैमिली में सब होगा, खीरा ककड़ी तरबूज आ जाएगा, बहुत सारे होंगे ओब्यूल की संख्या। अब हमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओब्यूल की बात करें तो सबकी अलग अलग बातें करते हैं कि कर्वेचर्स ऑफ द पोजिशंस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ओब्यूल, ओब्यूल के कर्वेचर के बेस पे हम बात करेंगे बेटा। तो आगे हम बात करते हैं क्या टाइप्स ऑफ ओब्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बेटा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ओब्यूल ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ ओब्यूल 5 तरह के होते हैं, 5-6 तरह के पड़ते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, ठीक है ना, एम्फीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस, 6 तरह का ओब्यूल हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर पोजिशन, कर्वेचर्स ऑफ ओब्यूल। दूसरी कंडीशन है कि हम बात करते हैं इंटेगुमेंट के बेस पे बात करें तो एटेगमिक, यूनिटेगमिक, बायोटेगमिक, ट्राइटेगमिक, 4 तरह का। यदि हम बात करते हैं न्यूसेलस के डेवलपमेंट पे तो 2 तरह का है, टेन्यूनोसिलेट और क्रेसिनोसिलेट। तो मतलब 3 क्राइटेरिया हम देंगे और तीनों क्राइटेरिया में बात करेंगे कि कितनी तरह के ओब्यूल है, कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कभी भी मिस मत करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए। थैंक यू।